ये हमारे जनजाति समाज के लिए बहुत ही एक गौरव का विषय है। भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय लोगों के लिए शोषण मुक्त समाज का सपना देखा था। भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना जैसी योजना लाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, जो PVTG कहलाते हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं, उनके लिए पहली बार भारत सरकार में प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से उनके चहुमुखी विकास का प्रयास हुआ है। इस बार केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है, जिसकी लॉन्चिंग वो कल करने वाले हैं। कल झारखंड से हजारीबाग से इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। इसमें 63,000 जो आदिवासी बाहुल गांव हैं और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इस जनजाति उन्नत ग्राम अभियान से लाभ होगा। इसकी लॉन्चिंग कल होने वाली है। जो सपना भगवान बिरसा मुंडा ने देखा, गुंडाधुर ने देखा, शहीद वीर नारायण सिंह ने देखा, वो आज हम लोग को लगता है कि पूरा हो रहा है। हमारे बस्तर ने लंबे समय तक माओवादी आतंक झेला। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने नई रणनीति बनाई और माओवादी आतंक की रीढ़ की हड्डी हम लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया है। बस्तर के जिन इलाकों में माओवादी आतंक के चलते विकास रुक गया था, वहां हमने नियद नेलानार योजना प्रारंभ की है। नियद नेलानार ये गोड़ी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। इसमें हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी तक 32 सुरक्षा कैंप खोले हैं और एक सुरक्षा कैंप खोलना मतलब